पूरे देश में महाराणा प्रताप की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इसी बीच आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जाटिया, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में हुआ। वहीं दिल्ली में आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कई सालों से महाराणा प्रताप सेना मनाती आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जाटिया और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सबको महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा याद रखनी चाहिए, चाहे हल्दीघाटी की बात हो या दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की। और क्या कुछ कहा तमाम लोगों ने, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। राष्ट्र की शान है, राजपुताना की आन है और हम सबका सम्मान है। निश्चित रूप से महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष की गाथा है। उस काल में जब सब लोग पराभव और दासता के उसमें जकड़े जा रहे थे और अपने आप को समर्पित करते जा रहे थे, उस वक्त राणा प्रताप ने राष्ट्र की आन बान शान को करने के लिए और जंगलों में रह करके भी सेना को संगठित करने के लिए हल्दी घाटी का एक महान और रण लड़ा। उस युद्ध में बहुत ही करीबी लड़ाई थी और निश्चित रूप से वो इतिहास, हल्दी घाटी का इतिहास हमारे लिए गौरव का इतिहास है। राणा प्रताप का स्मरण करने से हमारे रक्त में उत्साह का संचार होता है और हमारे लिए निश्चित रूप से जो आज का आयोजन है, महाराणा प्रताप फाउंडेशन ने जो करके उनका जो स्मरण किया है, हम उसके प्रति अभिनंदन का भाव करते हुए उनको बधाई देते हैं। और निश्चित रूप से राणा प्रताप का जो स्मरण करते हुए और राणा प्रताप का जो ऐतिहासिक वो संघर्ष रहा है, उसको सदियों तक याद करने के लिए हमारी प्रेरणा बनी रहे। देश की ऐतिहासिक स्थल है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और उसमें महाराणा प्रताप सेना राज्यवर्धन सिंह परमार जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाती है, जिसमें पूरे देश के पदाधिकारी भाग लेते हैं। और आज भी सत्यनारायण जाटिया जी हों को आगमन हुआ, माननीय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, भारतीय संसद के पितामह कहें, लोकसभा स्पीकर कहें, आदरणीय ओम बिरला जी, देश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री, देश के माननीय गृह मंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी का, सभी का आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर शुभकामना संदेश मिला है और सभी लोगों का आगमन हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम अपने इतिहास को संभाले हुए रखे हैं और जो कौम अपने इतिहास को संभाल के नहीं रख पाती है, ना वो अपना वर्तमान संभाल पाती है, ना भविष्य बना पाती है। आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज हम महाराणा प्रताप की नहीं, एक ऐसे योद्धा की जयंती मना रहे हैं जिसने मुगलों से सीधी सीधी टक्कर ली। और आज के समय में ऐसे योद्धाओं की बहुत कमी है और मैं चाहता हूँ हर घर के अंदर ऐसा योद्धा पैदा हो ताकि मुगलों को भारत से सफाया ही कर दे। ये भारत हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। देखिए, सर्वप्रथम तो महाराणा प्रताप जी के जन्मोत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज हमारे मुख्य अतिथि महाराज जी, हमारे मुख्य अतिथि जाटिया जी और तमाम अतिथियों का हमें आज संदेश भी प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम तो लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और इस लोकतंत्र के पर्व पर महाराणा प्रताप सेना हर वर्ष करती भी है और आज फिर करेगी। अभी हम कुछ समय बाद अकबर रोड को पोत कर वहाँ लिखने वाले हैं महाराणा प्रताप रोड, और ये हम करते आए हैं। शाहजहाँ रोड का नाम भगवान परशुराम मार्ग हो, अहिल्याबाई होल हिमा रोड का नाम अहिल्याबाई होलकर मार्ग हो, रफी मार्ग का नाम महर्षि वाल्मीकि नाम हो, ऐसी तमाम मांगों को लेकर निरंतर मैं प्रयासरत हूँ। मजार मुक्त भारत बने, नशा मुक्त भारत बने, लफ्जिहाद मुक्त भारत बने। अगर मौलवियों को वेतन है तो पुजारियों को भी वेतन मिले, सनातन धर्म बोर्ड का गठन हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर मैं हमेशा था, हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा। और
आज महाराणा प्रताप जी के जन्मोत्सव पर मैं पूर्व वर्षों की भांति अकबर रोड को पोतकर महाराणा प्रताप मार्ग लिखने वाला हूँ। मुकदमा दर्ज करना हो तो दर्ज कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश संविधान से चलेगा, भारत हिंदुओं का देश है। जिसको राम की बात करनी हो वो इस देश में रहेगा, जिसे रहीम की बात करनी हो वो जय श्री राम बोल दे। एनबीसी न्यूज़ के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।